तो थोड़ी देर बाद रसोईया बाहर गया, कागा तो दाम में था और रसोई में झट भीतर घुसया। अरे पूरा ने ठहगा भाज लिया जी, वो पूरा ने ठहगा भाजन लग गया ना, एक दूध का जग धरिया था प्लेट ढकिया हुआ, तो उसकी पांख उस प्लेट का लग गई, प्लेट और जग दोनों रसोई में गिर गए और दूध भी फैल गया। राम राम जी। अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का शीर्षक है बदनाम कौआ। दर्शकों एक बार की बात है कि एक सेठ जी के घर में रसोई का स्वामी एक टोकरी लटकी हुई थी और सेठ जी का घर के आसपास एक कबूतर रह गया था, तो कबूतर ने सेठ जी का घर में रसोई का स्वामी जो लटकी हुई टोकरी थी उसमें अपना घर बना लिया। और घर बनाने के बाद में सेठ जी ने बताया, अपना रसोईया ते भी बताया कि भाई इस ते दाना गिरे कर और इस ते पानी धरे कर, और घर के सारे मेंबरां ते बता दिया कि इस कबूतर ने कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इसने अपने घर में शरण ली। दर्शकों कुछ दिन ऐसे ही बड़े खुशी खुशी बीत गए। पुत्र की भी मौत, फिर घर वाले ने कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। और एक दिन वहां घूमता घूमता एक कागा आ गया। कागा ने देखा कबूतर की बड़ी मौज हो रही है भाई, अच्छा तो इसने सेठ जी का घर में घर बना रखा है और ऊपर तक दाना भी गिरा है और पानी भी इसने मिला है। तो कागा ने सोची कि भाई तन्ने अगर अपनी जिंदगी मौज तक काटनी है तो इस कबूतर तक दोस्ती गांठ ले। तो दर्शकों वो मीठा मीठा बोलिया और मीठा मीठा बोल के वो कबूतर के नजदीक आने लग गया। कबूतर का नजदीक आया, कबूतर का नजदीक आकर उसने दोस्ती इतनी गहरी कर ली राजी राजी बोल कर, अब वो कागा कबूतर के साथ साथ उस सेठ जी की रसोई में भी घुसन लग गया। जो कागा था वो तो बेईमान प्रवृत्ति का था और बेईमाना की वजह तो वो कबूतर तो उसने दोस्ती करी थी। तो होया कि एक दिन सेठ जी की रसोई में पूड़े उतरन लग रहे थे, और जब वो सेठ जी की रसोई में पूड़े उतारा था रसोईया, तो उसकी खुशबू उस कागा तक पहुंच गई। और जब उस कागा तक खुशबू पहुंची तो कागा बेईमान हो गया और उस कागा ने बड़ी तोड़ होगी कि मने कुकर यू पूड़ा थ्यावे। वो इंतजार करन लग गया कि रसोईया घर से बाहर जावे और मैं पूड़ा न ठहके बाजू। तो थोड़ी देर बाद रसोईया बाहर गया, कागा तो दाम था और रसोई में झट भीतर घुसया। अरे पूड़ा न ठहके भाज लिया जी, वो पूड़ा न ठहके भाजन लग गया ना, एक दूध का जग धरिया था प्लेट ढकिया हुआ, तो उसकी पांख उस प्लेट का लग गई, प्लेट और जग दोनों रसोई में गिर गए और दूध भी फैल गया। और आवाज सुनकर वो रसोईया भाजा आया, देखे तो उसने कि रसोई में तो सारा दूध फैला पड़ा है और जग भी जमीन में पड़ा है। तो रसोईया बड़ा परेशान होया, रसोईया ने दहने बाएं देखा, वो कागा कहीं नहीं मिला। आखिरी में उसका ध्यान उस श्यामी कबूतर वाली टोकरी पर गया। उसने वह टोकरी ठाक है और नीचे मारी देख है। जब वह टोकरी 3 मंजिल तक नीचे गिरी तो वह कबूतर का भी घर उजड़ गया। तो दर्शकों इन कागा रूपी इंसानों से बचाव अपना जरूर करो, जो कि आपके लिए घातक साबित हो सका है। आज की वीडियो आपने किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में। जब तक देखते रहो मेरा YouTube चैनल सुरेश फौजी। जय हिंद, जय भारत।